Hello friends, welcome you all at my YouTube channel English World. In this video, you will read some important proverbs. Proverbs इसका meaning होता है कहावतें, और इसमें जो daily बोलचाल की कहावतें होती हैं उसको English में क्या meaning है, और exams में question आ जाते हैं कई बार कहावत वो English में दे दी गई proverb और उसका हिंदी में translation पूछा जाता है या उसका meaning पूछा जाता है. तो देख लेते हैं क्या है ये video और इसमें कौन कौन सी proverbs हैं. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग न्यू. और प्रोवर्ब्स टाइटल से मैंने ऑलरेडी दो वीडियो और बना रखे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से उस तक पहुंच सकते हैं. इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एज वेल एज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको यहीं से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर और जनरल इंग्लिश के वीडियोज़ मिलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. नंबर वन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. A stitch in time saves nine. It means समय पर किया गया कार्य भविष्य में फलदायी होता है या अति उत्तम फल देने वाला होता है. तो जो समय पर कार्य कर समय पर जो जरूरी कार्य हो उसको समय पर ही कर दिया जाए तो उसके भविष्य में अच्छे रिजल्ट होते हैं. तुरंत दान महाकल्याण इसका हिंदी में मीनिंग होती है. नंबर टू, वन नेल ड्राइव्स अनदर. कांटे से कांटा निकलता है इसका हिंदी मीनिंग होता है. कांटे से कांटा निकलता है. वन नेल ड्राइव्स अनदर. इट मीन्स अगर कांटे को निकालना हो, कांटा लग जाता है तो कांटे को निकालना हो तो कांटे की ही हेल्प से निकाला जाता है. इट मीन्स कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको टेक्निक से हैंडल किया जाता है. कांटे से कांटा निकलता है. वन नेल ड्राइव्स अनदर. नेक्स्ट, अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गॉल. अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गॉल. गॉल इट मीन्स अ बिटर फीलिंग आर फुल ऑफ हेटर्ड. घृणा भरी कटुता मतलब हृदय में कटु भाव रखना, लेकिन अपने टंग से एकदम हनी जैसा मीठा बोलना, शहद जैसा बोलना. इट मींस जैसे हम अपने डेली व्यवहार में भी देखते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं समाज में जो कि हनी टंग होते हैं लेकिन हार्ट से बहुत गर्ल होते हैं. हृदय में तो हमारे प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा कटु भाव होगा लेकिन टंग से हमारे सामने बहुत मीठा मीठा बोलेंगे. तो ऐसे लोगों के लिए के लिए हम ये प्रोवर्ब यूज़ होती है, हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल, कि वो पर्सन बहुत ही हनी टंग है लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा कटु है और हमारे लिए बहुत घृणा उसके अंदर भरी हुई है. मुख में राम बगल में छुरी. मुख से कहता कुछ है और करता कुछ है, अंदर अंदर कुछ और ही उनके हृदय में चलता रहता है, मुंह से कुछ और जाहिर करते हैं. नेक्स्ट, वंस बिटन ट्वाइस साय. वंस बिटन ट्वाइस साय या अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर. ये दोनों प्रोवर्ब्स हैं इंग्लिश में, इन दोनों का मीनिंग हिंदी में सेम होता है. दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है. वंस बिटन ट्वाइस साई इट मींस जिसको एक बार काटा गया वो हर बार बहुत ही सशंकित रहता है, बहुत अलर्ट रहता है. ऐसे ही अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर. एक बार का जला हुआ व्यक्ति हमेशा आग से बचा हुआ रहता है. इट मींस आग से हमेशा डरा हुआ रहता है. तो इसका हिंदी में मीनिंग ये होगा, दूध का जला. जो एक बार दूध से जल जाता है तो छाछ को भी देख करके ऐसा समझता है कि कहीं ये दूध तो नहीं है, तो वो फूंक फूंक करके ही पीता है. तो एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति हमेशा अलर्ट रहता है और अलर्ट हो जाता है. इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, वंस बिटन ट्वाइस साई अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर. दोनों जो प्रोवर्ब्स हैं दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है. नेक्स्ट, सोसाइटी मॉल्ड्स मैन. इट मीन्स सोसाइटी होल्ड्स मैन. इट मीन्स खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. सोसाइटी में दूसरे लोगों को देखकर और लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं. इट मीन्स लोग देखा देखी अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं. नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर. बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर. एक थैली के चट्टे बट्टे, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे, या चोर चोर मौसेरे भाई. दोनों मीनिंग इसी इंग्लिश प्रोवर्ब्स की सेम मीनिंग होती हैं, कि उसको कई तरीके से कहते हैं. चोर चोर मौसेरे भाई के लिए भी बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर यूज़ होता है. एक थाली के चट्टे बट्टे या एक थाली के बैंगन या एक थैली के चट्टे बट्टे, उसके लिए भी बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर सेम इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है. नेक्स्ट, गिव लोन इनमी ओन. उधार दीजिए दुश्मन कीजिए. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति पैसा लेते समय तो बहुत प्रेम से ले लेता है उधार, लेकिन जब देने का नंबर आता है, जब आप उसको बोलिए तो उसके अंदर थोड़ा सा उसकी
फीलिंग चेंज हो जाती है, देते समय नानुकुर करता है, फिर आप जब उसको बोलेंगे ज़्यादा तो दुश्मनी हो जाए, होने का चांस हो जाता है। इसीलिए ऐसे कहते हैं गिव लोन इन मी ओन, उधार दीजिए दुश्मन कीजिए, गिव लोन इन मी ओन। नेक्स्ट, मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग। इट मीन्स अपने अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, इट मीन्स जितने तरह के लोग होंगे उनके सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, जितने ज़्यादा लोग उतने तरह के विचार। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इट मीन्स जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, या गरजने वाले बादल बरसते नहीं, या जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं हैं। इट मीन्स जो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, ज़्यादा गुस्साते हैं, तो जो बोल रहे होते हैं वैसा उनमें नहीं होता है। सो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ शेयर करें। और वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, इट मीन्स इसका हिंदी में मीनिंग ये होता है, वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग होगा वाइल इन रोम, जब आप रोम में हो तो रोमन्स की तरीके से करो, जैसे रोमन्स लोग रहते हैं वैसे रहो। इट मीन्स जहाँ का पीवे पानी वहाँ की बोले बानी, या दोनों मीनिंग निकलता है, जैसा देश वैसा भेष, जिस इन्वायरमेंट में आप जाएं, जहाँ का जैसा माहौल हो उस तरीके के माहौल में अपने आप को ढाल लें, तभी उसी में भलाई होती है, कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा आप अपना आसपास वातावरण देखें, व्यवहार देखें, बिल्कुल उसी तरह से अपने को भी बना लेना चाहिए। सो इसका वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जहाँ का पीवे पानी वहाँ की बोले बानी। गुड माइंड, नेक्स्ट प्रोवर्ब है प्रोवर्ब नंबर 11, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला। इसका मीनिंग ये होता है कि गुड माइंड गुड फाइंड, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, आप भले तो जग भला। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इंसानियत मिलेगी। इंसान अपने विचारों से स्वर्ग और नर्क बनाता है, जैसी उसकी थिंकिंग होगी वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और उसी तरह के लोग मिलते चले जाएंगे। तो गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला, अगर आप अच्छे तो आपको अच्छे लोग ज़रूर मिलेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, डिस्टेंस हिल्स लुक ग्रीन, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं या दूर के ढोल सुहावने। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, या डिस्टेंस हिल्स लुक ग्रीन, हम या इसको और इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। दूर से जो व्यक्ति, इट मीन्स इसका मीनिंग ये हो, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसकी बहुत अधिक कल्पना करते हैं कि वो फला व्यक्ति ऐसा है, उसको बहुत मतलब उसके पास प्लेजर है, वो बहुत हैप्पी है, बहुत ऐसा, बट ऐसा नहीं होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर दूर से दिखने वाली चमकने वाली चीज़, अच्छी लगने वाली चीज़ जरूर नहीं कि वो अच्छी हो, जब हम उसके करीब जाते हैं, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स से परिचित होते हैं, तब पता चलता है। इसलिए डिस्टेंस हिल्स लुक ग्रीन, दूर से जब पहाड़ियाँ देखो बहुत हरी भरी दिखती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, और करीब जाकर कुछ और ही मिलता है। तो इसलिए दूर के ढोल उसी को कहते हैं लोग, कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लोग अपनी चीज़ से नहीं सेटिस्फाइड होते हैं, दूसरे की चीज़ को लेकर के बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हाँ वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी वो ऐसी चीज़ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोवर्ब्स ऐसे लोगों के लिए कही जाती है जो लोग के पास सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और अपनी अपने अपने जो आपको प्राप्त है उसको ईश्वर के प्रति उसके लिए समर्पित रहें, धन्यवाद अदा करें, हाँ ठीक है ये है, और ज़्यादा हर चीज़ को दूर की चीज़ को देख करके बहुत उसके लिए नहीं सोचना चाहिए, जो आपके पास है उसमें हैप्पी रहना चाहिए। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। इट मीन्स जो कार्य जिसकी जिस वर्क की एंडिंग अच्छी हो जाए तो समझ लीजिए सब अच्छा, क्योंकि क्या होता है कोई कार्य बहुत ही जोश से स्टार्ट किया जाता है लेकिन एंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है तो वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। और अगर कोई कार्य कैसे भी स्टार्ट किया गया हो, बहुत उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, डिफ़िकल्टीज आई हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर उसका एंड अच्छा हो गया, आपने लास्ट में सक्सेस पा ली, अपने कार्य को पूरा कर लिया, तो वो कार्य अच्छा ही माना जाएगा, अच्छा ही सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो अंत भला तो सब भला, जो कुछ पीछे आपने, अगर आपने अंत अपना सक्सेस पर आप हो गए तो जो भी आपको रास्ते में मुसीबतों का सामना करना पड़ा जो कुछ, वो आप सब भूल जाएंगे, और यही होगा ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जिसका अंत भला है तो सब भला है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ प्रोवर्ब्स।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, एंड विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स.